हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि YT स्टूडियो की कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग जो आपको करनी होती है, कि कभी कभी हम वीडियो बनाते हैं तो कभी कभी खराब बन जाती है, लेकिन खराब हम खराब नहीं बनाना चाहते लेकिन खराब बन जाती है, तो लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं कि लाइक की बजाय डिसलाइक कर देते हैं। ठीक है, लाइक की बजाय डिसलाइक कर देते हैं, वो कॉमेंट सेक्शन में क्या करते हैं कि अनाप शनाप गालियाँ बकते रहते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि लाइक सेक्शन को और लाइक सेक्शन को और डिसलाइक सेक्शन को क्या करना है, हाइड करना है, मतलब लोगों को नहीं दिखाना। किसी भी वीडियो के अगर खराब होने जिसमें अधिकतर डिसलाइक आ जाती है तो उसको हाइड करना रहता है ना, किसी को अदर पर्सन को नहीं दिखाना रहता है। तो उसके लिए उसकी सेटिंग और कॉमेंट सेक्शन, जैसे कोई अदर कंसन गालियाँ बकता है और कोई भी अदर कुछ भी लिखता रहता है कमेंट सेक्शन में, तो अपना वो कमेंट सेक्शन हाइड करना रहता है ना, बिल्कुल तरह से। तो उसके लिए यह सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या रखा जाना होगा कि YT स्टूडियो में, ठीक है, YT स्टूडियो जैसे ओपन करते हैं आपको, तो आपको जाना है आप YT स्टूडियो में से आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो में आपको कॉमेंट सेक्शन और लाइक डिसलाइक को हाइड करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको कोने में पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है, पेंसिल का आइकॉन पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो दो सेटिंग दिखेगी, एडवांस सेटिंग दिखेगी साइड में, जो एडवांस सेटिंग पे आपको चले जाना है। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे देखिएगा आपको अलाउ कमेंट ऑन है ना, तो अलाउ कमेंट को ऑन कर लेना, ऑन होगा तो इसको ऑफ कर लेना। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि कमेंट आपको ऑफ करने से आपका कमेंट हाइड हो जाएगा। ठीक है, आपका जो कमेंट किया हुआ एक पर्सन का वो कमेंट हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड होने में क्या है कि जैसे कि आप कोई पर्सन आपको कमेंट करेगा तो कमेंट ही नहीं आएगा, तो कमेंट तो हाइड किया रखा आपने तो कमेंट ही कहाँ से आएगा। ठीक है, अदर पर्सन को देखिए हुए मतलब कमेंट ही नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, मेन पॉइंट है। सेकंड सेटिंग आती है आपकी, यूजर्स कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो। ठीक है, तो इसको ऑफ कर देना आपको। ऑफ करने से क्या होगा दोस्तों कि जो भी आपको लाइक डिसलाइक या डिसलाइक अधिकतर करेगा और लाइक कम करेगा, तो वो लाइक और डिसलाइक आपको किसी भी पर्सन को, जो पर्सन आपके जो व्यूअर्स होते हैं उनको शो नहीं होगा। लाइक डिसलाइक सब करेगा, सब करने का ऑप्शन सभी होगा, लेकिन वो शो नहीं होगा कि कितने डिसलाइक है और कितने लाइक है। ठीक है, तो सेकंड सेटिंग ये थी। उसके बाद आपको इस वीडियो में आप डिसलाइक करने से क्या मतलब है कि आपके व्यूअर्स को भी इफेक्ट, गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये वीडियो आप खराब है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देना और अपने इस लाइक और डिसलाइक की सेक्शन को भी ऑफ कर देना है। ठीक, तो इस तरह से आपके सेक्शन को ऑफ करने से क्या होगा कि वीडियो को की रेटिंग नहीं देगी। ठीक है, आपको और आपके चैनल के इफेक्ट नहीं पड़ेगा और YouTube वाला भी गलत नहीं समझेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने YT स्टूडियो में दो सेटिंग बताई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक छोटा सा लाइक कर देना, और अगर आप अपने चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब को जरूर प्रेस करो, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, थैंक यू, वंदे मातरम।